arise awake and stop not till you reach your goal these are wise words of swami vivekanand jinka statue theek mere piche hai main hu jawaharlal nehru university new delhi mein which is known to be one of the most finest educational institute of india आज इस campus में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे students से जो UGC NET की तैयारी कर रहे हैं हम जानने चाहते हैं उनसे कि उन्हें क्या क्या problems आ रही है और इस session में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे आप इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं उन सभी चीज़ों पे हम करेंगे चर्चा दिस इज अ पार्ट ऑफ माय इंडिया टूर दैट आई एम रिसेंटली डूइंग विथ एसोसिएशन विथ मैग्रो हिल पब्लिकेशन हाउस जहाँ पे हम जा रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में और बात कर रहे हैं उन सिटीज़ में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स से जो यू जी सी नेट और बाकी काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और इन सभी सेशंस में हम उनको दे रहे हैं इफेक्टिव करियर गाइडेंस एज वेल एज इफेक्टिव प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज जिसको यूज़ करके वो अपने गोल को बहुत ही जल्दी रीच करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक यू थ्रू द ब्यूटिफुल एंड द लश ग्रीन कैंपस ऑफ जे न्यू दिल्ली I am right now in front of the Mahamandavi Hostel in the JNU campus New Delhi and it was so much fun interacting with loads of students and helping them uh, crack UGC Net in their first attempt. And I provide free guidance to students preparing for UGC NET exam, and we have right now close to six lakh subscribers. Uh, apart from that, uh, I am also a very big literature enthusiast, so I have done uh, a lot of logging in Europe, covering a lot of places, uh, which were interest, uh, which will be uh, in, uh, an interest area for anybody who is preparing for UGC NET English. So we have covered sites like uh, Charles Dickens House and. Uh, uh, shakespeare's globe theater and all of that those vlogs are also available on the channel uh, i'm also an online educator i have my own website arpatakarva.com after clearing ugc net they can directly sit for Uh, PhD. So they can skip the masters and save one year of their life because technically the bachelor's program is of three years. If four years करते हो तो आपका masters में से एक साल बच जाता है. Okay. So सबसे पहले हम चलते हैं role of paper one in UGC net preparation. देखिए दो questions आपके सामने रखे गए हैं. First is paper one master करना क्यों essential है? Now the uh, funny part about this thing is कि हम अगर पेपर वन एंड पेपर टू के सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज़ देख पाते हैं कि पेपर टू का जो सिलेबस है इट इज़ रियली वास्ट इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के लिए बोला जाता है दैट एनी थिंग दैट इज रिटन और ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस कैन बी आज इन द एग्जाम नाउ दैट मीन्स एरिस्टोटल भी आएंगे मैदाम बोवरी के राइटर्स फ्रेंच राइटर्स रशियन राइटर्स भी आएंगे संस्कृत के महानुभाव कालिदास भी आएंगे इंग्लिश के ब्रिटिश लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर तो आएंगे ही आएंगे रबंद्रनाथ टेगोर भी आएंगे प्रेमचंद भी आएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपने दुनिया में जो भी किताबें आज तक किसी ने भी लिख दी है वो सब आपको पढ़नी है नाउ दैट मीन्स अ वेरी वेरी यूज सिलेबस एंड आई थिंक आप सब जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिंग्विस्टिक्स में लाइब्रेरी साइंसेज में आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस है पेपर वन की खासियत यह है कि पेपर वन का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है आई वुड नॉट से कि एकदम ही लिमिटेड है डेफिनेटली इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो इट रियली रिक्वायर्स कि आप में uh, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो बट एट द सेम टाइम पेपर टू के कम्पेरिजन में काफ़ी लिमिटेड है अब लिमिटेड है तो उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि जो टाइम आपको लगेगा प्रिपेयर करने में वो काफ़ी कम लगेगा क्योंकि अगर आपको एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवर करना है तो आपको ज़्यादा घंटे देने होंगे पेपर वन आप बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं ठीक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेपर वन के अगर हम रोल की बात करें जितने भी टॉपर्स ने आज तक पढ़ाई करी है आई हैव बीन लकी कि मैंने हर साल अबाउट फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स uh, को हर साइकिल uh, में कोचिंग दी है सो so, अभी तक माई कंपनी हैज बिन रनिंगसर्स हैव टॉट अबाउट थर्टी थाउजेंड स्टूडेंट थर्टी थाउजेंड में से जितने भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है जब हम उनके साथ इंटरव्यूज करते हैं ऑल ऑफ दे ऑल ऑफ देम से वन थिंग यूनिमसली कि पेपर वन को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया था दैट इज द रीजन वाई वी कुड गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स वी कुड गेट दैट एक्स्ट्रा एज सो सारे टॉपर्स दे ऑल स्वेयर बाय पेपर वन सो पेपर वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बच्चा जो सिर्फ पार्टी कर रहा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको तो रिग्रेट ही नहीं है क्योंकि वो पार्टी कर रहा है उसको पता है मेरा नहीं भी क्लियर हुआ तो आई हैव नॉट पुट इन एफर्ट बट समबडी हु हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्टिल कुड नॉट क्वालिफाई दैट इज वेयर द पर्सन रियली सफर्स ओके कौवे को पता था कि इतना बड़ा जो मटका है उसमें मैं कितनी भी चोच डाल लूँ मैं पानी नहीं पी सकता बिकॉज द वॉटर लेवल इज रियली लो सो उसने दिमाग लगाया कि अब मुझे अगर पानी पीना है तो लेट मी सी व्हाट कैन आई डू इंटेलिजेंस यूज करी और स्मार्ट वर्क किया उसने अपनी मंजिल को पा लिया ऑल ओवर जितने लोग देते हैं ये नेट यूजीसी का एग्जाम तो टोटल का जितने लोग एग्जाम में 10 लाख से 12 लाख बैठे हैं उनका 6% नेट और फिर उनका उनका जेआरएफ 6% राइट या फिर

फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स वो टू क्वालिफाई नेट और जितने भी है लेट्स तो है उनका सिक्स परसेंट इज गोइंग टू क्वालिफाई जे आर एफ सो दिस इज हाउ इट इज रन ओके बट पैटर्न उसके बाद सिग्निफिकेंटली हर साल चेंज हो रहा है बट सिलेबस में चेंजेस नहीं है तो जो भी स्टूडेंट वॉट टू स्टडी सिलेबस देख के सोच रहे हैं वो काफी सारी ऐसी चीजें तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है दैट इज द प्रॉब्लम नाउ ऑन दी अदर एंड इफ यू लुक एट राइट साइड इमेज ये बुक के जो आपके पास बुक है मेरी उस बुक के टेबल ऑफ कॉन्टेंट में से है उसमें आप देखेंगे चैप्टर टू इज लर्निंग जिसके अंदर एक लाइन से सिर्फ लर्निंग थ्योरीज है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बीहो वो रियलिस्ट लर्निंग थ्योरी कग्नेटिव स्कूल ऑफ थॉट मैस्कलो हिरारकी नीड ये ऐसे टॉपिक्स है जो यहाँ के सिलेबस में मैंशन ही नहीं है राइट सो वॉट टू स्टडी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वॉट टू स्टडी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप सिलेबस के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं बट सिलेबस तो एक्यूरेट आपको गाइडेंस दे ही नहीं पा रहा है नाउ अनदर एग्जाम्पल पीपल एंड एनवायरमेंट से पीपल एंड एनवायरमेंट में आप लास्ट टॉपिक अगर पढ़ेंगे नेचुरल हिजार्ज एंड डिजास्टर के बाद जिसमें कुछ एक्ट के नाम है आई जस्ट वर्बलाइज दैट इन फ्रंट ऑफ यू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल एक्शन प्लान इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एफर्ट्स मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल रियो समिट कन्वेंशन ऑन बायोडावर्सिटी क्योटो प्रोटोकॉल पैरिस अग्रीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये नाम है सिर्फ ऑन दी अदर हैंड राइट साइड में आप देखिए मैंने एक लिस्ट दी है आपको ये सारे कन्वेंशन है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो इन्होंने लिखे नहीं है बट वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल सो so, आप देख पाएंगे ये दो एग्जाम्पल्स हैं और ये हर यूनिट में मैं आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ बिकॉज आई हेव टाइम क्रंच मैं आपको हर एग्जाम्पल हर के सिलेबस से नहीं गो थ्रू कर सकते एंड दिस इज जस्ट वन चैप्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि मैंने मेरी बुक को भी थर्टी थ्री चैप्टर्स में डिवाइड किया है आई विल टॉक अबाउट दैट बट वट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट काफी वास्ट सिलेबस है जो शायद आपको पता भी नहीं है तो व्हाट टू स्टडी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे एक बहुत चैलेंजिंग जो चीज आती है वो ये होती है कि जब इतना बड़ा सिलेबस है और हमारे पास तीन महीने हैं, तो हम सब तो नहीं पढ़ सकते आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम एफर्ट के साथ ला सकें आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आऊँ कम से कम मेहनत करके और उसके लिए आपको व्हाट टू स्टडी सही तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी पेपर टू मेरे साथ ये चीज़ घटना हुई थी जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी इंग्लिश में तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि आ, आ, You know, uh, आप अगर इंग्लिश लिटरेचर में नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो टेक्निकली यू जस्ट है मास्टर्स में टॉप करने के बावजूद मैं आंसर ही नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चन पता ही नहीं है नाइनटी सेवन क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है ये कौन से राइटर ये तो मैंने देखे भी नहीं है या आर के नारायण की गाइड पढ़ी और ये क्वेश्चन मालगुडी डेज से दे रहे हैं या ये रबीन्द्रनाथ टैगोर के हमने जो भी पोइट्री पढ़ी है वहां से तो आ ही नहीं रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के कोई लेटर जो उन्होंने किसी और राइटर को लिखे वहां से क्वेश्चन दे रहे हैं वो लेटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है सो दैट इज वेन आई रियलाइज के अप्रोच गलत है वॉट टू स्टडी को सही करना जरूरी है वॉट टू स्टडी बेसिकली मैंने बताया जनरल प्रैक्टिस क्या है स्टूडेंट्स की या तो वो सिलेबस देखते हैं यूजीसी का और वहां से पढ़ाई करते हैं वहां पे आपने खुद देख लिया कितना बड़ा फ्लॉ है नंबर टू वो क्या करते हैं वो मास्टर्स या बैचलर्स का पेपर टू की मैं बात कर रही हूँ पेपर वन में तो वैसे भी सिलेबस इज द ओनली वे स्टूडेंट वुड गो अबाउट बट पेपर टू में वो क्या करेंगे वो मास्टर्स बैचलर्स का सिलेबस रिवाइज करते हैं दोनों ही अप्रोच सरासर गलत है सही अप्रोच क्या है उसके बारे में बात करते हैं सही अप्रोच बहुत सिंपल है सही अप्रोच है ये

Uh, हो आप नहीं नहीं ध्यान देंगे ऑन अदर हैंड ये सी, सेम चीज़ हम में से आई थिंक बहुत लोगों ने पेड़ कभी काटा है बट हम सब सब्जी जरूर काटी होगी सो जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आपके घर की जो नाइफ है वो काफी ब्लंट हो गई है अब जब आप सब्जी काटते हो तो कितनी मेहनत होती है सब्जी काटना उस दिन रॉकेट साइंस लगने लगता है कि अरे कट ही नहीं रही है मैं कैसे नाइफ को कि ये कट जाए जिसमें तो सब्जी काटना सबसे आसान काम है बट स्टिल वो डिफिकल्ट लगने लगता है क्यों क्योंकि आपका जो नाइफ है that tool plays a very very important role second important quote is activity without direction is change activity with direction is progress hum sab rahe, but direction agar sahi hai, so that is just going to cause a change that is not going to cause a difference in your life but agar activity mehnat aap karte with the right direction that is called progress राइट right डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो उसे प्रोग्रेस बोलते हैं और ये दो चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं क्योंकि अब जो मैं आपसे बात करने वाली सबसे पहले पीवाई देखो और फिर पढ़ाई शुरू करो क्यों उससे क्या होगा ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है ठीक है इस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब आप पी वाई क्यूज देखते हो ना तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें निकल के आती है आपके सामने जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है आप अगर हंड्रेड क्वेश्चन देख रहे हो और आपको उसमें अलग अलग टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं बिहेवोरियल स्कूल ऑफ थाट कार्ल यूंग ये सब राइटर्स निकल के आ रहे हैं थियोरिस्ट निकल के आ रहे हैं अगर आप ये देख रहे हो आई का सिलेबस तो अलग अलग मेलवेयर के नाम निकल के आ रहे हैं ट्रोजन हॉर्स ठीक है वॉम्स इट फाइंड एड वेयर स्पैम वेयर फिशिंग वेलिंग ये टर्म्स आपको अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो आपको क्या लगेगा इतना सारे आउट ऑफ सिलेबस है

हर क्वेश्चन को दिस आई एम टेलिंग यू इफ़ इन केस यू नॉट बाइंग द बुक पेपर वन का बिकॉज ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करके आपको दी है अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर टू के आप अगर खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले पीवाई देखना है सारे पी में से हर पी किस टॉपिक से आ रहा है वो लिखते चलो एक लिस्ट बनाते चलो कि ये 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 टॉपिक से आया है दैट इज स्टेप नंबर टू एंड स्टेप थ्री अब हर टॉपिक को पढ़ना चालू करो यूजीसी नेट ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया उसको तो साइड में डाल दो उसका कोई काम नहीं है That इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर आपका रियल सिलेबस यहाँ से निकल के आएगा जो पी वाई क्यूज आप देखोगे दस दस साल के वहां से आपको पता चलेगा कि 2014 में कौन से क्वेश्चन आ रहे थे जो अब आई नहीं रहे वो सिलेबस का पार्ट है बट अब आई नहीं रहे तो क्यों पढ़ रहे हो उसको मैंने आप जब बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे मैंने कई कई जगह मैंशन किया है कि ये टॉपिक सिलेबस में गिवन है बट यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये क्यू कोड में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा तो मैंने क्यू आर कोड में डाला है क्योंकि वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया है पांच साल में तो आप उसको टॉपिक को पूरा याद भी कर लोगे तो क्या होगा राइट right? सो so, ये अप्रोच इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच फॉर यू फॉर पेपर टू मैंने पेपर टू प्रेपरेशन जब करी थी तो मैंने फर्स्ट दो महीना छः महीने मैंने नेट की तैयारी करी चार महीने मैंने पढ़ाई करी दो महीने मैंने सिर्फ पी वाई क्यू करे थे दो महीने मैंने सिर्फ पी वाई क्यू उठाया क्योंकि उस टाइम पे पेपर टू के लिए ऐसा कुछ भी था नहीं जैसे ये तो बुक अभी मैंने लिखी है एंड मैंने यही अप्रोच से ये किताब लिखी है बट उस टाइम पे ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं थी तो मुझे वो मेहनत करनी थी तो मैंने रोज़ का मैं एक या दो पी वाई क्यू लेती थी एक एक क्वेश्चन लेती थी खालिद हस्नैनी के काइट रनर से क्वेश्चन है तो ये लिखती थी खालिद हुस्नैनी काइट रनर यहाँ से इसके टॉपिक से इस वर्क से क्वेश्चन है ऐसे करके मैंने एक तीन चार हजार पॉइंट की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई थी दो महीने बैठ के उसके बाद मैंने उस लिस्ट के एक एक टॉपिक को पढ़ना चालू किया था और चार महीने में मैंने नेट क्लियर करा था और ये तब की बात है जब मेरे टाइम पे कट ऑफ वॉज फोर्टी इंग्लिश की इतना टफ पेपर था कि 49% परसेंट कट ऑफ निकली थी और मेरी 56% परसेंट थी अभी 55, 60% परसेंट कट ऑफ निकलती है और आप सोचिए पेपर का लेवल इजी है तभी तो कट ऑफ आई जा रही है उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी में मैंने ये चीज करी थी और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जिनको ये अप्रोच से उन्होंने नहीं पढ़ाई करी थी वो सबका उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ था आई डोंट नो अब मैं उनके कॉन्टेक्ट में नहीं अटेम्प्ट में और किसी का नहीं हुआ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरी टॉपर वुड सजेस्ट आप यूपीएससी के कितने भी इंटरव्यू लो वो हमेशा बोलते पेपर देखो पहले क्या क्वेश्चन पेपर आ रहा है वहां से तैयारी शुरू करो ओके okay? सो so, ये जब आप एक्टिविटी कर लोगे तो आपका एक लक्ष्मण रेखा की तरह वो बन जाएगा कि ये मेरी बाउंड्री है ये सरकमफरेंस है इसके अंदर के जो टॉपिक्स लिखे हैं ये सब मुझे पढ़ना है दैट विल बिकम योर लक्ष्मण रेखा उसके बियॉन्ड आपका दोस्त आके बोले तूने ये पढ़ा है क्या ये इंपॉर्टेंट है अगर वो आपने पीवा क्यूज में नहीं देखा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका दोस्त कोई अंतरयामी थोड़ी है उसको क्या पता कहाँ से आएगा क्वेश्चन अगर पीवाई में वो टॉपिक आया ही नहीं है तो वो टॉपिक नहीं आ सकता है तभी तो वो आज तक नहीं पूछा है अब तो यूजीसी नेट का एग्जाम इतना टफ हो गया है बिकॉज uh, दस शिफ्ट में पेपर हो रहा है मतलब दस दिन में हो रहा है दो शिफ्ट में हो रहा है ट्वेंटी पेपर वन बन रहे ट्वेंटी पेपर वन मीन थाउजेंड क्वेश्चंस बन रहे हैं तो जब थाउजेंड क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब एक यूनिट से सौ क्वेश्चंस वो बना रहे हैं तो वो लोग ट्रेडिशनल सिलेबस से स्टिक होकर बना ही नहीं सकते आपके ट्रेडिशनल सिलेबस में तो कुछ ही टॉपिक्स है आपको अगर सौ क्वेश्चन बनाने हैं वहाँ से तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग जगह से क्वेश्चन इकट्ठा करने पड़ेंगे दैट इज वाई दिलेबस टू एक्सपैंड ओके नाउ दीज आर फ्यू अनदर इमेज जो मैंने दी है एंड माई पर्पज टू शो यू दीज इमेजेस इमेज कि अगर आप पेपर टू की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर वन की भी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अप्रोच आप भी इस्तेमाल करना शुरू करो जैसे दिस डिटेल टेबल ऑफ कॉन्टेंट मेरी बुक में आप देखेंगे पंद्रह पेजेस का है टी ओ सी विच इज कॉल्ड इंडेक्स पंद्रह वनने का इंडेक्स है मैंने हर टॉपिक लिखा है

टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन आ रहे थे अब ट्रेंड चेंज हुआ है अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड नंबर थ्री काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है ऐसे हैं जो यू uh, नो you know, जिनके पास बहुत टाइम नहीं है वो या तो कॉलेज के साथ में तैयारी कर रहे हैं या फिर वो और भी कुछ साथ में किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी कर रहे हैं एंड दे जस्ट वांट अ वेरी क्विक फिक्स कि यार हमको तो कुछ एसेंशियल टॉपिक बता दो कि हम बस ये पढ़ लें और हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे सो फॉर देम वॉट आई हैव ड हर चैप्टर में आप देखेंगे आई हैव मार्क्ड थिंक कॉल्ड एग्जाम एसेंशियल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज थ्री स्टार्स आर देर कोई भी आप पेज खोलेंगे और चार पांच पेजेस फ्लिप करेंगे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे ये उनके लिए जो बहुत बिजी है ये एग्जाम एसेंशियल्स वो टॉपिक है जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल कि आपने ये पढ़ा जैसे जिन्होंने भी यूजीसी नेट अभी तक दिया सैम्पलिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है हर साल क्वेश्चन आना है मतलब आंख वन करके अगर मुझे कोई बोले कि तुम पे मैं दस हजार रुपए की एक शर्ट लगाता हूँ कि कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएगा गया है लेकिन वाउच की सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आना ही है पांच साल से हो रहा है कि ये छोड़ ही नहीं रहे उस टॉपिक को हर बार आ रहा है सो दैट इज एन एग्जाम एसेंशियल टॉपिक है वो तो पढ़ के जाओ ही जाओ हो हाँ, हो सकता है है, कोई ऐसा टॉपिक से से कभी कभी आ आ जाता है, कभी नहीं आता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहे। so, आपके लिए जब आप पी वाई की ये लिस्ट बनाएंगे, जो मैंने दी तो जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि पी वाई यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसको डबल टिक कर दीजिए उस टॉपिक को कि एक बार आया आपने लिख लिया फिर वापिस आपने देखा कि वापस से यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन वापस एक टिक लगाइए तो आप देख पाएंगे कई टॉपिक्स होंगे छह सात टिक लगे होंगे कि यार इनसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे एग्जाम एसेंशियल टॉपिक्स सो so, मैं आपको बेसिकली बता रही कि मैंने किताब कैसे लिखी है और इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज मैंने तैयारी करी है मैं छह साल से स्टूडेंट्स को ऐसे ही तैयारी करा रही हूँ एंड हमेशा हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं सो दैट इज जस्ट बिकॉज हम लोग थोड़ी एक अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू हम एग्जाम को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, okay. Okay, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पहला जाता है सुक्राथ हिंदी में बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे शानदार फिलोसोफर कभी समय मिले तो पढ़िएगा इनको ऐसी गजब की जिंदगी जीने की बातें इन्होंने बताई है वन ऑफ माई फेवरेट्स इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी नो दाई सेल्फ कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज अगर कुछ है तो वो है खुद को जानना अगर आपने खुद को जान लिया तो आपको और दुनिया में कुछ जानने की जरूरत नहीं है सारा दुनिया का ज्ञान आपको आ जाएगा जिस दिन आपने खुद को जान लिया इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल एंगल में वो बात बोली थी बट दैट applies टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज वेल वो हाउ टू स्टडी विल डिपेंड एक्सट्रीमली ऑन वट काइंड ऑफ पर्सन यू आर वट इज योर लर्निंग स्टाइल इसका कोई एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला नहीं है जैसे व्हाट टू स्टडी का तो फॉर्मूला है ये करो ये करो ये करो पी वाई क्यू करो ये करो ये करो हाउ टू स्टडी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग आपका 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 हर का हाउ टू स्टडी अलग होगा और ये क्यों होगा क्योंकि हम सब अलग है हम सबका पढ़ने का स्टाइल अलग है अगर हम हाउ टू स्टडी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपकी लर्निंग स्टाइल कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह याद कर पाते हैं सुबह उठेंगे चार बजे सुबह तीन घंटे की ऐसी पढ़ाई होती है कि आपको जो चीज़ें याद हुई याद like like वो जिंदगी भर याद रहेगी लाइक माई फादर वॉज लाइक दैट वो सुबह चार बजे उठा करते थे एंड uh, वो बताते और उन्होंने बचपन से मुझे हमेशा बोला कि चार बजे उठो मैं देखती थी कि मैं सुबह नींदों में रहती हूँ मुझसे चार बजे नहीं उठा जाता और मैं अगर उठ भी गई तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती उतने कॉन्सेंट्रेशन से मैं कब सबसे अच्छा पढ़ पाती हूँ रात में दस से एक क्यों क्योंकि क्यों, उस टाइम पे घर में बहुत शांति है और मैं बहुत कंसंट्रेट करके बहुत मतलब जैसे ये पीपीटी भी मुझे जब बनानी थी तो ये रात के दस से एक की पीपीटी है ये मुझे पता होता है मेरी ज़िंदगी का काम कि वो रात के तीन घंटे का काम है जिसमें मैंने कुछ बहुत अच्छा दिमाग लगा के चीज़ क्रिएट करी है दिन भर में भी काम करती हूँ बट अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना है लाइफ को जो डायरेक्शन देगा लाइफ का पर्पस के रिलेटेड काम है वो मैं रात में करती हूँ बिकॉज आई एम ए नाइट आउटटी इज अ मॉर्निंग लॉक कई लोग होते हैं जो ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा करते हैं पांच लोग बैठे साथ में पढ़े गजब कई लोग होते हैं जैसे मैं हूँ आई कैन नॉट डू गो ग्रुप स्टडी मेरा पूरा टाइम वेस्ट होता है मुझे अपना अकेला एक कमरा चाहिए एक कोना चाहिए को, कोई भी शोर नहीं चाहिए मेरा लैपटॉप मेरी किताबें और मैं दैट इज़ हाउ आई स्टडी सो एवरीबडी इज डिफरेंट आपको फिगर आउट करना होगा एक्सपेरिमेंट करके कि आपको चीज़ें कैसे याद हो रही है एंड उसी पैटर्न से आपको पढ़ना है यहाँ पे एक और चीज़ आती है विच इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स कई लोग विजअल लर्नर्स होते हैं उनको देख के याद होता है कई ऑडिटरी होते हैं उनको सुन के याद होता है कई काइंडस्थेटिक होते हैं वो जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे उनको याद नहीं होगा सो so आपको फिगर आउट करना है कि आप कौन से लर्नर हो और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है पढ़ने का कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सको जैसे अलग अलग चीज़ें आपने हम सब ने सोलर सिस्टम याद करा था उसके वी वी ऑल हैव अ वेरी एडुकेटेड मदर करके हमने सोलर सिस्टम के प्लानट्स याद करे और बहुत आराम से याद हुए हमको क्यों वी यूज अमोनिक निमोनिक निमोनिक इज़ बेसिकली अ मेंटल टूल जिससे आप क्विकली चीज़ें याद कर पाते हो राइट सो निमोनिक्स का इस्तेमाल करिए बहुत सारे और टूल्स हैं टेबल्स है, अगर आपको याद होता है टेबल्स बनाइए नोट्स में सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं जितना उसको आप विजुअली अपीलिंग बना सके उतनी जल्दी आपको चीज़ें रिटेन होगी ओके सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैंने क्या किया है और मेरा लर्निंग यू नो मेथड क्या है ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें यूज़ करिए सबसे पहले मैंने बुक में क्या किया है हर टॉपिक के साथ में आपको क्यू आर कोड्स दिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ताकि आप विडियोज़ देख सकें आई हैव गिवन यू हंड्रेड प्लस वीडियोज़ इन द बुक द पर्पज बिहाइंड गिविंग ऑल दीज वीडियोज कि जो भी विजुअल लर्नर हैं जो किताब देख के उनको बोरिंग लगता है वो विजुअली जब कोई चीज़ देखते हैं उनको तुरंत याद होता है हम में से आज तक कौन मूवीज देख के भूला है मूवी हम एक बार देखी है तीन घंटे की पिक्चर एक साथ बैठ के आज भी हमको स्टोरी याद है दस साल बाद पाँच साल बाद क्यों क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम विजुअली देखते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जाता है सो दैट इज द रीजन वाई आई हैव गिवन यू वीडियो लेक्चर्स योर आप भी अगर खुद से पढ़ रहे ट्राई कि जितना ज्यादा विजुअली अपीलिंग बना सके सेकेंड इज सिनेमैटिक कनेक्शन जैसे आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेवल्स ऑफ टीचिंग का लेते हैं ठीक है लेवल्स ऑफ टीचिंग में तीन टीचिंग मेथड्स हैं मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल आप में से जिनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी भी नहीं मैं डायरेक्ट आपको मूवी का एग्जाम्पल दूंगी एंड आई एम श्योर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे मेमोरी लेवल का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है थ्री इडियट्स में जो चतुर की स्पीच थी ठीक है उसने समझा नहीं स्पीच में क्या था आमिर खान ने एक वर्ड बदला बट ही स्टिल डरस्टैंड कि उस वर्ड को बदलने से कितना बड़ा स्पीच में परिवर्तन आ गया द स्पीच दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जब आप रटते हो हम सब ने बचपन में एबीसीडी रटा था हमको पता था कि उसका क्या यूज है एबीसीडी का नहीं पता था राइट हमने सिर्फ रट लिया टेबल्स रट लिया टू हनजे टू 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 जो फोर रट लिया सो दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप कोई भी चीज़ आपको अगर पढ़ना है समझना है तो पहले आपको एक बच्चे को मेमोरी लेवल से करना होगा मैं डायरेक्टली तीस थर्ड यू नो तीन साल का अगर कोई बच्चा है उसको मैं डायरेक्टली पाइथोग्रोस थ्योरम नहीं समझा सकती उसको मुझे ए बी सी डी रटवाना ही पड़ेगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप उसके बाद जब उसका दिमाग थोड़ा मेच्योर होता है देन ही मूव्स टू द सेकंड स्टेप विच इज अंडरस्टैंडिंग लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल का बेस्ट मूवी एग्जाम्पल अगर ओम शांति ओम मूवी देखिए उसमें शांति प्रिया का जब रीबर्थ होता है दीपिका पादुकोन इज री सो शी ट्राइज टू मिमिक शांति प्रिया ताकि वो उसको अर्जुन रामपाल को डरा सके और वो उसको समझने की कोशिश करती कि शांति प्रिया बोलती कैसे थी चलती कैसे थी पहनने का स्टाइल क्या था आ, उसके पर्सनालिटी कैसी थी समझ रही थी रट नहीं रही थी शांति प्रिया को रट नहीं रही थी वो समझ रही थी और समझ के उसने अपनी पर्सनालिटी को निखारना शुरू किया सो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जब आप चीज़ें समझते हो ठीक है थर्ड स्टेप इज रिफ्लेक्टिव लेवल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल इज जब आप अप्लाई करते हो कोई भी चीज़ जैसे सोच के देखो थ्री इडियट्स में लास्ट का सीन याद है जब लद्दाख में आ, ये स्कूल चलाता है रेंचो और सारे साइंस के प्रिंसिपल से वो कुछ 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 चीजें हो रही होती है एक साइंस के प्रिंसिपल से ऊन निकल रहा होता है शीप के बॉडी में से ठीक है सारी चीज़ें दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल जब आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो आपने समझ लिया अब आप देखते हो इससे मेरी जिंदगी में मैं कैसे बदलाव लाऊ एम बी ए

अप्लाई करना कब शुरू करते हो कॉलेज में कोई भी चीज जब आप एम में कर रहे हो या जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो वो देखते हैं कि अब ये जो हमने फिजिक्स की प्रिंसिपल समझे इसको हम लाइफ में अप्लाई कैसे करें सो so, आप देख रहे हो मैंने मूवी के रेफरेंस दिए तीनों लेवल दो मिनट में आपको समझ आ गए अब इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं ये सेम चीज आप अपने साथ कर सकते हो चार महीने पांच महीने में टारगेट लो कि इस अटेम्प्ट में निकालना है और निकालना है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ पांच वर्षीय योजना जो बनाते हैं वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक तो वैसे ही बेहाल हो जाते हैं होप गिव अप कर चुके होते हैं मोटिवेशन जीरो हो जाता है आप पढ़ाई में मन नहीं लगता आपको लगता हो नहीं सकता है कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है क्या मतलब है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला कि अपनी लाइब्रेरी घर पर मत बनाओ एक किताब को रेफर करो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर करो आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग यू कौन सी किताब कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि जब मैं हाउ टू स्टडी आप सबको बता रही हूं कि सबके लिए डिफरेंट है तो वेयर टू स्टडी भी सबके लिए डिफरेंट होगा बट उसको तरीका है फाइनल करने का कि क्या बुक या क्या रिसोर्स आपके लिए बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी अब्राहम लिंकन एक बड़ी अच्छी चीज कहा करते थे ऑलवेज इंडिपेंडेंटली वेरीफाई दी एडवाइस गिवन टू यू बाई एथ ग्रेडर्स नेम्ड जिमी कि आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे जो आपको अलग अलग एडवाइस देंगे आपको अगर सर्दी खांसी होगी तो आप अपने घर के फिफ्थ क्लास के बच्चे से लेके आपके घर के जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है सबके पास चले जाओ हर आदमी के पास नुस्खा है कि आपकी सर्दी खांसी कैसे ठीक हो सकती राइट right? इंडिया में एडवाइस की कमी नहीं है इब्राहम लिंकन कहते थे यू हैव टू वेरीफाई द एडवाइस गिवन टू यू बाई एथ ग्रेडर्स नेम्ड जिमी आपके फ्रेंड्स जिनका यूजीसी नेट नहीं निकला या हो सकता है निकल गया हो बट उनका अपना पढ़ने का स्टाइल था वो अगर आपको आके बोल रहे कि भाई तू ये कर, इसी से होगा यू हैव टू वेरीफाई दस डेट वर्क फॉर मी एक टॉपिक एक किताब एक टीचर मल्टीपल रिविजन ये आपका मंत्रा होना चाहिए कोई भी टॉपिक हो सकता है आपको एक टॉपिक किसी किताब से समझ नहीं आया दूसरी किताब रेफर करिए बट किसी भी टॉपिक को पांच किताबों से मत पढ़िए किसी भी चीज के लिए पांच टीचर को रेफर मत करिए बिकॉज आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा उसमें मैं ये आपको बता रही हूँ और उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है एक टॉपिक एक बुक एक टीचर मल्टीपल रिविजन दिस इज द वे टू लीड लाइफ थैंक यू सो मच देर आर फोर स्टेप्स टू मास्टर एनी टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और अगर कोई भी स्टूडेंट उनमें से एक स्टेप को हटाता है उसे यूज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसका सक्सेस का चांस बहुत कम हो जाता है एंड दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो जस्ट ट्राई एंड सी कि इन चार स्टेप में से कौन सा स्टेप है जो आप नहीं टच अपॉन कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग कोई भी चीज को समझना यू जी सी नेट एज यू ऑल नो इट हैज बिकम अ वेरी चैलेंजिंग एग्जाम इन

सो so, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि मैं किस टाइप से आप लोगों को मतलब आई वुड वॉन्ट यू टू मेमोराइज ओके स्टेप थ्री इज प्रैक्टिस जहाँ पे प्री वाई क्यूज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रैक्टिस कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बाद में चेक किया आपको वो याद हुआ है क्या नहीं इफ यू सी माई बुक आप देखेंगे मैंने हर टॉपिक के बाद में आई गिविन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके इस टाइप के आपको बुक के बीच बीच में हर टॉपिक के बाद में मिलेंगे क्यों क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा तुरंत चेक करिए कि आपको याद हुआ या नहीं अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे दैट मीन्स आपने वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ाई यू हैव टू गो बैक एंड रीड द टॉपिक अगेन तभी आपको समझ आएगा तो स्टेप थ्री इज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमने पढ़ लिया समझ लिया प्रैक्टिस नहीं करी एग्जाम देने चले गए विल नॉट हेल्प एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिविजन रिविजन इज द की टॉपर्स में और नॉर्मल लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस है टॉपर्स रिवीजन बहुत बार करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कर लेंगे बट रिवाइज नहीं करेंगे देखिए समझिए धक्का मार के सिलेबस हर बच्चा कंप्लीट कर लेता है टॉपर में और नॉर्मल बच्चे में यही डिफरेंस है टॉपर्स रिवीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन टाइम टेबल दैट आई वुड वॉन्ट यू टू डेवलप बेसिकली क्या है टॉपिक का नाम आपको लिखना है किस दिन आपने याद किया जैसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एक टॉपिक है मैंने फर्स्ट ऑगस्ट को इसको याद किया है ठीक एक दिन बाद मुझे उसको रिवाइज करना है फर्स्ट रिविजन हैज टू हैपन आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स सेकेंड रिविजन हैज टू हैपन आफ्टर सेवन डेज एंड थर्ड रिविजन हैज टू हैपन आफ्टर थर्टी डेज तीन रिविजन करे बिना एक बहुत फंडामेंटल साइकोलॉजी का सिद्धांत है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग कर्व इसे बोला जाता है एंड फॉरगेटिंग कर्व ये कहता है कि अगर आप तीन बार रिवाइज नहीं करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सेवेंटी परसेंट आपके दिमाग से डिलीट हो जाती है तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें बट वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में टिकेगी नहीं ओके okay? so with that note we come to the end uh, absolute i'm just winding up so this was a very important topic so mai nahi cha rahi thi mai ise skip karu these are the four steps of learning anything and ensure ki aap koi bhi topic paper 1 ya paper 2 ka padh rahe you do not miss out any step अगर आप सोच के देख लीजिए आज भी जिनको भी mathematical portions में सबसे ज्यादा problem होती है उनको majorly problem इसलिए होती है because they neglect step थ्री practice वो समझ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बट रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं दिन में पंद्रह क्वेश्चन अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग डी के कर लेते हो सो हो नहीं सकता कि दो महीने बाद आप उस टॉपिक में मास्टर नहीं बनो इनरिस्पेक्टिव ऑफ आपका मैथ्स के साथ कैसा भी रिश्ता है ओके okay. So with that note I come to the end of this session I would just want to tell you that the books are available at a very discounted price today so if you want to get it you can buy it the McGraw Hill team is sitting right there you can ask them if in case you have any questions I will be around the campus today for next one two hours so if you want to meet me personally talk to me about something so you're more than welcome okay so with that note thank you so much it was lovely interacting with all of you

into bite-sized sessions and that is where i uh, recommended them to go through my book because in my book may i have divided the 10 massive units of ugc net paper 1 into 33 chapters din ke 8 chapter So tackle day, within 33 days you are able to effectively tackle the entire paper 1 preparation and you can go with confidence and attempt the upcoming ugc net exam so I'm going to see you very soon in the next session where which I'm going to take in various colleges and uh, universities across India. I will be traveling to Aligarh, Shimla, Amritsar, Punjab, and various other cities. So see you there. And if you are really, really curious to know, up next session, kaha hone wala hai. So you can drop a WhatsApp message and my team is going to give you the complete information. If you really want me to come to your college and address uh, students and guide them on the topics like these then put that in your uh, in the comment section and i'll be more than happy to include your city in my india tour